विश्व बैंक द्वारा पोषित बागवानी विकास योजना के अंतर्गत न्यूजीलैंड के विशेषज्ञों द्वारा हिमाचल प्रदेश में सेब की पैदावार को कैसे बढ़ाया जाए इसके बारे में टिप्स दिए जा रहे हैं। इस दौरान विशेषज्ञों ने बताया कि किस तरह से सेब पौधों को विदेशी तकनीक अपनाकर प्रूनिंग की जा सकती है। इसके साथ ही विश्व स्तर पर कैंकर जैसी सेब में पाए जाने वाली बीमारी को कैसे रोका जा सकता है इस पर भी जानकारी दी गई। इस बारे में रामपुर उपमंडल के दत्तनगर स्थित फल स्थित एवं प्रदर्शनी उद्यान केंद्र में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। विदेशी वैज्ञानिक विशेषज्ञों ने बताया कि सेब प्रूनिंग करने का तरीका हिमाचल में सही नहीं है। उन्होंने बताया कि सेब प्रूनिंग का सही तरीका बदलना होगा। इसके लिए फील्ड में जाकर बागवानों और अधिकारियों को बताया जा रहा है। कैनोपी मैनेजमेंट के विशेषज्ञ जेक हैंस ने बताया कि पौधों के रखरखाव और उनकी प्रूनिंग पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि रूट स्टॉक आधुनिक किस्में अच्छी पैदावार दे सकती है। उन्होंने बताया कि सेब के पौधों की अधिकतम लंबाई 5 मीटर होनी चाहिए। नए सेब पौधों का प्रूनिंग करते हुए 1 मीटर के दायरे में करीब 8 शाखाएं होनी चाहिए जिनमें सेब फल लग सकें। उन्होंने सेब के पौधों की प्रूनिंग करते हुए औजार भी सही इस्तेमाल करने एवं पौधों की टहनियों की मोटाई के हिसाब से रखने की सलाह भी दी। प्रूनिंग के बाद पेस्ट करना जरूरी बताया ताकि कैंकर या अन्य बीमारियां ना लग सकें। उन्होंने बताया कि फल पौधों को इस तरह विकसित करें कि सूर्य की किरणें सही तरह से फलों तक पहुंच पाए। By allowing the development of more fruiting spurs in the trees, we should see quite an increase in production. The use of clonal rootstocks will also make a huge difference because trees on clonal rootstocks are much more precocious. They direct much more of their energy into fruit production, and the introduction of clonal rootstocks, especially M111 and M9, will be transformational for the industry here. प्लांट पैथोलॉजिस्ट डेविड ने बताया कि कैंकर रोग से बचने के लिए गुणवत्तापूर्ण दवाइयां व पेस्ट करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि अब तक व्यावसायिक तौर पर पुख्ता दवा ऐसी नहीं है जिससे कैंकर को खत्म किया जा सके। इस दौरान विशेषज्ञों ने बताया कि कैंकर की बीमारी विश्व स्तर पर है। इस बीमारी का इलाज पुख्ता अभी तक नहीं निकल पाया है। विश्व में 16 प्रकार के कैंकर बीमारियां सेब पौधों में पनप रही है जिसमें से हिमाचल में 6 प्रकार की बीमारियां देखी गई हैं। जैविक तरीके से कई देशों ने इस पर अध्ययन किया है लेकिन सफल नहीं हुए हैं। उन्होंने बताया कि कैंकर को सजगता एवं उचित रखरखाव से रोका जा सकता है। उन्होंने सलाह भी दी कि बागवान उच्च गुणवत्ता वाली दवाओं व पेस्ट का प्रयोग करें और जिस शाखा या पेड़ में अधिक कैंकर लगा है उस पेड़ को ही नष्ट कर देना चाहिए ताकि अन्य पेड़ों पर इसका प्रभाव ना हो। Simple protections that can be used to effectively particularly protect pruning wounds. If a common farmer in Himachal Pradesh, he wanted to know from Mr. David that what are the key points that they should do in their orchard to save canker disease. So recognize it in the first place, recognize the wood that is infected with canker, and then either scrape those lesions or cut them out and paint the cut surfaces. Those are the key things to do. There are a lot of paints which can be used, and the traditional paints which are recommended in Himachal Pradesh will be very effective against canker, provided they are product which is at strength. So Chubutia paste, Bordeaux paints, and potentially fungicide paints will all be effective. Around the world, unfortunately, we do not have any commercially reliable biological controls for cankers, but it is an active area of research at the university here and in other places in the world to try and find a biological control agent.